हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। आप सभी की डिमांड पर आज से स्टार्ट होने जा रही है माइनक्राफ्ट की सीरीज। जैसा कि आपको पता होगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, माइनक्राफ्ट ट्रायल की सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी चल रही थी। आप सभी की डिमांड पर आज से मैंने माइनक्राफ्ट की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का आज ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो आई होप आप सभी को ये पार्ट पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, हम विलेज के पास ही स्पॉन हुए थे, तो ये काफ़ी अच्छा हुआ जिससे कि हमें रात में सर्वाइव करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी हम किसी विलेजर का सहारा नहीं लेने वाले हैं, हम खुद से अपना सामान तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ शेप्स वगैरह मारनी होंगी और वोट्स वगैरह कलेक्ट करनी होंगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है ट्री की थोड़ी कमी है, बट कोई बात नहीं, जो भी ट्री दिखाई दे रहे हैं हम उन्हीं को जाकर कट कर लेते हैं, जिससे कि हम क्राफ्टिंग टेबल वगैरह जल्दी से बना लें और एक्स पिकेक्स वगैरह बना लें, जिससे हमें आसानी रहेगी ट्री वगैरह कट करने में और माइनिंग करने में। यहाँ पर मैं इस पेड़ को पहले पूरा कट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मुझे बोर्ड मिल जाएगी, फिर मैं जो है बोर्ड को वोट प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लूँगा। तो आज ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है, तो आज तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें बनाएंगे, आने वाले पार्ट्स में हम एडवांस लेवल की चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पर हम अपना एक बड़ा सा घर बनाने वाले हैं और जो आप कमेंट्स में कहेंगे मैं वो चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर बनाऊंगा। तो देखते हैं कितनी 5 बोर्ड्स मेरे पास हो चुकी हैं। तो पहले हम बोर्ड प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सिंपली बोर्ड्स को यहाँ पर रखते हैं, बोर्ड प्लैंक्स पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है 20 बोर्ड प्लैंक्स हो चुकी हैं। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल तैयार करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल तैयार करने के लिए यहाँ पर मुझे इन चारों बॉक्सेस में बोर्ड्स को रखना है, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल बन चुकी है। यहाँ पर हमारी क्राफ्टिंग टेबल तो बन चुकी है, बोर्ड प्लैंक्स भी हमारे पास हैं। काम करते हैं, एक्स और पिक एक्स वगैरह भी बना लेते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, बोर्ड प्लैंक्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से रखते हैं, जिससे कि हमें स्टिक मिल जाएगी। तो स्टिक को मैं यहाँ पर लाकर रख देता हूँ, 8 स्टिक यहाँ पर बना लेते हैं। तो 8 स्टिक मेरे ख्याल से काफ़ी होंगी। यहाँ पर हम लोड वगैरह नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी विलेजर्स हैं उनके साथ हम ट्रेड वगैरह भी करेंगे और यहाँ पर जो है अपना फार्म वगैरह भी बनाएंगे। काफ़ी अच्छा एरिया मुझको मिला है, प्लेन एरिया है लेकिन इतना ज़्यादा प्लेन भी नहीं है। यहाँ पर हमेशा काफ़ी सारे को जो है साफ करना होगा, तभी यहाँ पर हम अपना एक अच्छा सा घर बना पाएंगे। जल्दी से एक बेड बनाते हैं और एक कैंप फायर बनाते हैं, यहीं पर अपना कैंप लगाएंगे आज रात। तो इसके लिए तो मुझे बोल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो फर्नेस भी बनानी होगी जिसके लिए मुझे स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रख देते हैं, क्राफ्टिंग टेबल पे क्लिक करते हैं और जल्दी से हम स्टिक को यहाँ पर रखते हैं। और सॉरी, यहाँ पर मैंने वोट प्लैंक्स को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, स्टिक्स को यहाँ पर रखते हैं। और स्टिक्स के बाद एक स्टिक यहाँ पर रखनी होगी, वोट प्लैंक्स को कुछ इस तरह से रखना होगा। यहाँ पर हमारे पास एक पिकेक्स आ चुकी है, अभी हमें एक एक्स और बनानी है। तो वोट्स को कुछ इस तरह से आपको रखना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक एक्स भी बना ली है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर देखो हमने बना लिया है सामान, लेकिन सामान बनाने से पहले ही यहाँ पर रात हो चुकी है। और रात इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर साइड में, उस साइड में यहाँ पर जो है ज़ोंबीज कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, जिस वजह से मुझे वहाँ पर उनसे फाइट करनी पड़ी और मैं वहाँ पर कई बार आउट हुआ क्योंकि मेरे पास जो है हथियार और औजार वगैरह नहीं थे। बट कोई बात नहीं, आज की रात हम किसी घर में ही घुस जाते हैं। तो सामने एक घर है, जल्दी से इस घर के अंदर ही चले जाते हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं, बट ये क्या, यहाँ पर तो कोई बेड ही नहीं है। बाहर चलते हैं, इस वाले घर के अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी कोई बेड नहीं है, यहाँ पर कोई विलेजर भी है या नहीं है, देखते हैं अभी क्या होता है। सामने एक घर है, मुझे लगता है यहाँ पर बेड होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर बेड है, लेकिन क्या, ये तो पूरा गांव ही खाली है यार, यहाँ पर तो कोई विलेजर ही दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल स्लीप होते हैं, उसके बाद देखेंगे। सुबह हो चुकी है, सो गुड मॉर्निंग, जल्दी से बाहर चलते हैं और अपना सामान बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं गलत था यार, यहाँ पर विलेजर्स भी हैं और जैसा कि आप देख सकते हो ज़ोंबी किस तरह से आ रहे हैं मारने के लिए, बट इनके बस की बात नहीं है। अभी हम और जो है हथियार वगैरह यहाँ पर बना लेंगे, तो उसके बाद इनसे फाइट करेंगे और इन्हें इनकी औकात याद दिलाएंगे। तो चलो, अपने क्राफ्टिंग टेबल तो उठा ली थी ना। हाँ ठीक है, अब जल्दी से स्टोन वगैरह कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी विलेजर को यार नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, किसी के भी सामान पर कब्जा नहीं करना चाहता, सब कुछ खुद से करेंगे। तो आज की रात तो जैसे तैसे कट गई है, अगर यहाँ पर मैं विलेज नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली थी, जिससे कि हमें रात में भी काम करना पड़ सकता था। तो यहाँ पर माइनिंग शुरू कर देते हैं और यार स्टोन वगैरह बनाते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर
जिससे उनके एक्स पिकेक्स पे आने, थोड़ी बोर्ड्स वगैरह और कलेक्ट करेंगे, बेड वगैरह भी बनाएंगे जिसके लिए हमें शेप ढूंढनी होगी। तो देखो पिकेक्स बनाने के बाद यही बेनिफिट रहता है कि जो स्टोन वगैरह हैं वो बिल्कुल आसानी से टूट जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन पिकेक्स की भी एक लिमिट होती है, इसकी भी एक पावर होती है, जब ये ख़त्म हो जाती है तो जो पिकेक्स वगैरह है वो टूट जाती है। जैसे तो फर्नेस बनाने के लिए हमें 9 से 10 स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है, फिलहाल थोड़े ज़्यादा ही बना लेते हैं जिससे कि आगे हमें कुछ और सामान बनाना पड़े तो भी दिक्कत ना हो। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 24 स्टोन हो चुके हैं, तो जल्दी से आप यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक फर्नेस बनाते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल को मुझे कहीं ना कहीं रखना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को इधर रख देता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ रही हमारी, ये रही क्राफ्टिंग टेबल, ठीक है यहाँ पर रखते हैं। और फर्नेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली स्टोन्स को सभी बॉक्सेस में रख देना है कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फर्नेस बन चुकी है, फर्नेस को यहाँ पर रखते हैं, स्टोन को वापस से उठाकर यहाँ लेकर आते हैं। तो अब हमें और भी सामान बनाना है, तो कैंप अपना कहाँ पर लगाएंगे, फिलहाल इसको यहाँ से तोड़ देते हैं। अभी हमें वूल कलेक्ट करनी है, तो जल्दी से चलते हैं जंगल की तरफ और वहाँ पर जाके देखते हैं क्या हमें कोई शीप वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है। तो हमें यहाँ पर 3 वूल कलेक्ट करनी है, तो खाने का इंतजाम भी कर ही लेते हैं। सामने एक चिकन है, तो इस चिकन को भी यहाँ पर हम पहले मार देते हैं। फाइनली चिकन को भी मार दिया है और हमारे पास खाने का इंतजाम हो चुका है। अब एक काम करते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं और वहाँ पर शेप को ढूंढते हैं। तो इतने ज़्यादा चिकन मुझे नहीं मारने हैं क्योंकि अभी फिलहाल थोड़ा ही खाने का इंतजाम करना था, तो वो हो चुका है। सामने एक ब्लैक शेप है, तो उसको किल करते हैं पहले जल्दी से चल के। यहाँ पर हमारे पास 3 ब्लैक वूल हो जाएं या फिर 3 वाइट वूल हो जाएं तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक वूल हो चुकी है और सामने एक 2 वाइट शीप है। एक वाइट वूल हो चुकी है और 2 वाइट वूल हमारे पास हो चुकी हैं और 3 हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वूल्स का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, देखता हूँ कितनी हो गई है। हाँ, 3 वूल यहाँ पर हमारे पास हो चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं और बेड वगैरह बनाते हैं। चलते हैं कहाँ, क्राफ्टिंग टेबल तो हमारे पास में ही है, यहीं पर क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं और यहीं पर हम एक बेड तैयार करते हैं। तो बेड बनाने के लिए हमें क्या करना है, वूल को कुछ इस तरह से रखना होगा तीनों ऊपर बॉक्सेस में, और जो वुड प्लैंक्स हैं उनको हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो बेड बन चुका है। अब यहाँ पर हमें एक कैंप फायर और तैयार करना है, तो वुड प्लैंक्स को यहाँ पर रखते हैं। कैंप फायर बनाने के लिए मुझे फर्नेस को रखना होगा यहाँ पर। अब फर्नेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे वुड प्लैंक्स को रखना है यहाँ पर, और जो वुड है सॉरी वुड को रखना है यहाँ पर और वुड प्लैंक्स को रखना है यहाँ पर, जिससे हीट स्टार्ट हो जाती है और हमें यहाँ पर आसानी से कोल मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और हमें कोल मिलने वाला है। कोल और स्टिक और वुड की ज़रूरत पड़ती है एक कैंप फायर बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, कोल को यहाँ पर रखते हैं और वुड प्लैंक्स को यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ से, अब हम अपनी फर्नेस वगैरह यहाँ से उठा लेते हैं। अब हमें यहाँ पर चलना है फॉरेस्ट में, कहाँ पर ट्री है, ट्री कट करने के बाद हमें वापस से आना है और अपना एक कैंप लगाना है। तो इस साइड में काफ़ी सारे ट्री हैं, तो इस साइड चलते हैं। फाइनली गाइज यहाँ पर हम ट्री के पास आ चुके हैं, अब जल्दी से ट्री कट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है, ट्री जो है वो कितनी जल्दी कट हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास वुड कितनी जल्दी कलेक्ट कर पा रहे हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा ट्री हमने कितनी जल्दी कट कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी वुड हो चुके हैं, अब मुझे सोचना है अपना कैंप लगाना कहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, विलेज के पास में ही अपना कैंप लगाते हैं। विलेज भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है यार, तो जगह ये जो है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर अपना घर बनाने के लिए, अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। तो अगर मैं इसको मार दूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन मिल जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपना एक कैंप लगाते हैं उसके बाद इसको देखेंगे। बेड यहाँ पर रखते हैं और फर्नेस को हम यहाँ पर रखते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को इस जगह रखेंगे। तो क्राफ्टिंग टेबल मैंने यहाँ पर रख दी है। हाँ, तो अब हमें कैंप फायर बनाना है, जिसके लिए क्राफ्टिंग टेबल पर क्लिक करना है और कैंप फायर बनाने के लिए बुक्स पर क्लिक करते हैं। कैंप फायर कहाँ गया, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कैंप फायर।
हाँ, तो कैंप फायर ये रहा, तो फाइनली कैंप फायर भी बना लिया है हमने। अब कैंप फायर को हम इधर रख देंगे, किधर रखें, बेड के इस साइड यहाँ पर। कैंप फायर बनाने का फायदा बताऊँ क्या रहता है, देखो इससे जो धुआं उठने लगता है और जिससे हमें दूर से पता चल जाता है कि हमारा कैंप आखिर है कहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अपना कैंप लगा लिया है, यहाँ से भागो पहले जल्दी से दूर थोड़ा। अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम इसे आसानी से मार पाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक्स लेता हूँ, इससे काफी सारा आयरन मुझे मिल जाएगा, मुझे उम्मीद तो है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मैंने इसको मार दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आयरन नट्स हमें मिल चुके हैं, तो इससे काफी सारा आयरन मिल चुका है। अब जल्दी से एक काम करते हैं, अपने कैंप के पास जाते हैं। और ये क्या, विलेजर को यहाँ पर सोने की जगह मिल रही है? बताओ यार, यहाँ पर ये हमारे कैंप में आकर सो गया, भाग यहाँ से, जल्दी से एक काम करते हैं, सब स्लीप हो जाते हैं। बताओ यार, विलेजर को अपने घर में जगह नहीं मिल रही तो वो मेरे कैंप पे आकर सो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आयरन तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारा हो चुका है, अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम यहाँ पर एक बकेट बनाते हैं। बकेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हम आगे जाके, तो एक बकेट तैयार करते हैं। बकेट लिखो जल्दी से यहाँ पर, सर्च कर लो, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बकेट सर्च करना है। और 3 आयरन नट्स की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है बकेट बनाने के लिए। बकेट को यहाँ पर रखते हैं, अभी भी हमारे पास 2 आयरन नट्स हैं, तो एक काम करते हैं एक आयरन स्वॉर्ड बना लेते हैं जिससे हम ज़ॉम्बी वगैरह से फाइट कर पाएं। तो स्वॉर्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्टिक को कुछ इस तरह से रखना होगा, एक स्टिक हमारे पास कम है तो पहले स्टिक वगैरह भी बनाते हैं। तो 4 स्टिक और मैंने यहाँ पर बना ली हैं। अब एक काम करते हैं, अब बनाते हैं यहाँ पर हम आयरन स्वॉर्ड। तो आयरन स्वॉर्ड बनाने के लिए हमें स्टिक को कुछ इस तरह से रखना होगा, और इसके बाद यहाँ पर जो आयरन नट्स हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आयरन नट्स को यहाँ पर रखना होगा और दूसरा आयरन नट यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन स्वॉर्ड बन चुकी है, अब हमें आसानी रहेगी ज़ॉम्बी वगैरह से फाइट करने में। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना घर वगैरह भी बनाया जाए, तो जिसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। एक अच्छा सा घर यहाँ पर हम अपना बनाएंगे, इन सभी से अच्छा घर बनाना है जिससे कि यहाँ पर अपना पूरा विलेज में एक अलग ही लुक दिखाई दे, अपने घर का एक अलग ही दिखाई दे, मतलब हाँ भाई सबसे अमीर बंदे का घर है यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।